भैया उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर, उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं। कभी धंधा एकदम चंगा चल रहा है, कभी धंधा एकदम मंदा चल रहा है, बहुत बिजनेस डाउन चल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी वीडियो यानी कि आखिरी आंसर। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर है 7 मार्क का और 6 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं और आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों पिछले 5 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको ढेर सारे जो है बेनिफिट्स मिल जाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज के सॉल्व आंसर IMP क्वेश्चन वगैरह की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। पिछले साल के भी वीडियोस आपको जरूर काम आएंगे, तो जरूर 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 हमारी डिजिटल फैमिली से जुड़े रहिए और प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं यार, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो हमारा ऐप है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिस टेस्ट में, प्रैक्टिस पेपर्स में, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, यहां पर भी 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और ये भी आपको रेगुलर अपडेट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में देता रहेगा। तो ऐप स्काई एजुकेशन है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल है, यहां पर चल रहा होगा, जरूर उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एब्सोल्युटली फ्री है, ढेर सारे रिसोर्सेज आपके लिए यहां पर मौजूद हैं। दोस्तों बात करें हम आज के आंसर की, तो हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आज आखिरी आंसर कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों हमने पिछले कई वीडियोस में जाना स्कोप फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद हमने स्कोप और फीचर्स मैक्रो के जाने। दोस्तों माइक्रो क्या है तो स्मॉल एनालिसिस है, मैक्रो क्या है लार्ज एनालिसिस है अबाउट द इकोनॉमी। मैक्रो के अंदर हम लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, देश को एज अ होल एज अ कंप्लीट इकोनॉमी स्टडी करते हैं, वेयर एज माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की यानी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए नजर डालते हैं। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन हमेशा आपको मैंने हर वीडियो में दिखाया ही है, साथ ही साथ ये डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो जोर डालता है इसी बात पे, दैट फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर कार्ल शपीरू का ये डेफिनेशन मजेदार सा, जो सिंपल सी बात बोलता है भाई, एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि भाई क्या खास है आज के आंसर में। दोस्तों आज का आंसर है कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स का, जी हाँ 7 पॉइंट्स का आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स परफेक्ट लेंस। इसको PF लेंस बोलोगे तो भी चलेगा, परफेक्ट लेंस बोलोगे तो भी चलेगा। 7 पॉइंट्स है दिमाग में फिट करने हैं एकदम झकास, एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, लेंस के अंदर L से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, E से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, N से नेशनल इनकम और S से स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, बोले तो परफेक्ट लेंस। जी हाँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या महत्व है इस मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का, वही एक एक पॉइंट से जानेंगे। दोस्तों खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये लार्ज वेरिएबल्स की एनालिसिस है, इससे हम देश कितनी प्रगति कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट कर रहा है इसको समझ पाते हैं, और इसीलिए आपको पहले 2 पॉइंट यहां पर दिख रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात करें यहां तो भाई परफॉर्मेंस, हमारा देश पहले कितना प्रोडक्शन कर रहा था, अब कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इसकी कंपैरिजन से ही हम परफॉर्मेंस को जांच पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 10th में कितने परसेंटेज लाए, आपने 11th में कितने परसेंटेज लाए, और अब आप 12th में कैसे और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम अक्सर अगर एनालाइज करें तो अपनी ग्रोथ और अपनी प्रोग्रेस के बारे में हमेशा हमें पता रहेगा। बस यही परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी में देश के बारे में लागू होता है। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, कैसे भाई, तो नेशनल इनकम के एस्टिमेट से हमें पता चलता है। हम जब कंपेयर करते हैं ना, कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड, मतलब यार साल 2014 में कितना प्रोडक्शन था, 2022 में कितना हुआ है, इससे अंदाजा आएगा कि यार 2025 तक कितना बढ़ेगा या कम होगा, समझ रहे हैं। तो ये कंपेरिजन ही आपको परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी जज करने में मदद करते हैं और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की खासियत है, विशेषता है।
पहला पॉइंट यहां पर परफेक्ट लेंस के अंदर पी से परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जो अगला पॉइंट है वो साउंड भले सिमिलर करता हो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यार फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में फर्क है क्या? मैं बोलूंगा हाँ थोड़ा सा फर्क है। फंक्शनिंग के अंदर हम बिहेवियर और पैटर्न को समझते हैं अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, यहां पर हम कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं और इसीलिए फंक्शनिंग थोड़ा सा अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि यार इकोनॉमिक सिस्टम भारत जैसे देश का तो लार्ज है बॉस और कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कई राज्य हैं, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग देश, अलग अलग वेश। यहां पर दोस्तों बहुत सारी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भारत में वेरिएबिलिटी है, बहुत सारे चेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, पॉवर्टी की समस्या, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, ऐसी कई अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इन सबको एनालाइज करना ही फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इट हेल्प्स अस टू, अंडरलाइन कर दीजिएगा, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ टोटल वेरिएबल्स, एग्रीगेटिव वेरिएबल्स मतलब टोटल वेरिएबल्स। तो इतने बड़े विशाल काय देश में जितने भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनकी एनालिसिस करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है, तभी आप समझ पाते हैं कि देश फंक्शन कैसे कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों हमने दो पॉइंट्स कर लिए, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी में कंपैरिजन होगा और फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी के अंदर टोटल वेरिएबल्स की एनालिसिस होगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट जो निकल करके आता है पीएफ लेंस के अंदर एल से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों बेरोजगारी हमारे देश की बड़ी समस्या रही है, जहां देखो बेरोजगारी की दरें बढ़ती जा रही हैं, हमारा युवा जो है वो आज नौकरी के बिना बैठा हुआ है। कई नौकरियों के लिए यार कुछ भर्तियां होती हैं लेकिन हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं, तो ऐसी समस्या जो है ये बढ़ते जा रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जांचने में, चेक करने में कि यार लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कितना और इससे और कितना प्रोग्रेस हो सकता है, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को सुलझाया जा सकता है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जनरल लेवल इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, आउटपुट का, प्रोडक्शन का कितना है, वो मार्केट में से एनालाइज करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में ये एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के लेवल्स को चेक करते रहता है। दोस्तों आगे बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो यार ई से दो पॉइंट निकल करके आते हैं। पहला पॉइंट यहां पर आपके सामने है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा मैं हमेशा कहता हूं देश की तरक्की, देश का विकास, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी पे तो फोकस करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही है कि देश प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता रहे और यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स उसी को जांचने में मदद करता है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है भैया, एकदम प्रगति की उड़ान भर रहा है, धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री बनने की राह पे चल रहा है। तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में कितनी गरीबी है, पॉवर्टी कितनी है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ कितना है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप समस्या का समाधान कर पाएंगे ना भैया। और इसीलिए टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एक्सेट्रा, मैक्रो इकोनॉमिक सजेस्ट करता है इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मूल बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है ना वो पॉवर्टी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बेरोजगारी, ये सारी समस्याओं को स्टडी करता है और फिर सॉल्यूशंस देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के। तो यहां पर ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में मदद करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां एक और पॉइंट हमने कंप्लीट किया दोस्तों, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर पीएफ लेंस या परफेक्ट लेंस आप बोल सकते हैं। ई से एक और पॉइंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, भैया उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर, उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं। कभी धंधा एकदम चंगा चल रहा है, कभी धंधा एकदम मंदा चल रहा है, बहुत बिजनेस डाउन चल रहा है। तो ऐसे बिजनेस साइकिल्स के उतार चढ़ाव को स्टडी करने में भी, हाँ स्टडी करने में भी मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। किन वजह से, किन चीजों की वजह से, कौन से फैक्टर्स की वजह से ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये स्टडी करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम एंड रिड्यूस देयर सीवियरिटी।
त्यांना कमी करण्याचे प्रयत्न सुद्धा मॅक्रो इकॉनॉमिक्स करते. मतलब मॅक्रो इकॉनॉमिक्स ही ये प्रॉब्लम्स को कम करने में, रिड्यूस करने में, इनकी सिवियरिटी को, इनके इफेक्ट को कम करने में हमारी मदद करता है. इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है. जी हाँ दोस्तों, हमने ई से दो पॉइंट कर लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. बात करें अगले पॉइंट की, तो सिक्स्थ पॉइंट पे है नेशनल इनकम. जी हाँ, नेशनल इनकम, देश की आमदनी. आहा, देश की आमदनी, देश का इनकम बहुत जरूरी है. अगर आपको घर का बजट बनाना है तो घर में आने वाली इनकम का तो पता होना ही चाहिए ना. नहीं तो बस फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, सब खर्चा ही करते रहोगे, हैं? सब उड़ा दोगे, अबे पागल हो गया. आपको पता होना चाहिए कि इनकम कितनी है और उसके हिसाब से सारा एलोकेशन होगा. सिमिलरली नेशनल इनकम का भी आपको पता होना चाहिए, तो देश का बजट सही ढंग से बन पाएगा. जी हाँ दोस्तों, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम नेशनल इनकम को, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम नेशनल इनकम को महत्व दे रहे हैं और उसकी स्टडी करते हुए देश के बजट, देश की पॉलिसीज वगैरह फ्रेम कर पा रहे हैं. विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. हम करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज बना नहीं सकते अगर हम नेशनल इनकम को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं करते. तो यहां आसान सा पॉइंट था दोस्तों. आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सात. जी हाँ, सातवां पॉइंट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. क्या बोले? परफेक्ट लेंस बोले. परफेक्ट लेंस के अंदर ऐसे क्या बोले? स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. ये जो देशव्यापी समस्याएं हैं, ये जो देशव्यापी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, डिमांड है, एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, ऐसे बड़े बड़े वेरिएबल्स जो होते हैं ना, इनको स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है. इसलिए तो इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड the working of the economy. Study of macroeconomic variables is important. Main economic problems are related to economic variables only, जैसे कि total income, output, employment and general price level in the economy. तो अगर इन सब चीजों की study detail में कर ली जाए तो काम आसान हो जाएगा और समस्याओं को सुलझाना भी आसान हो जाएगा. इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी. जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के सात पॉइंट का आंसर यहां पर हमने कंप्लीट किया है. क्वेश्चन का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम परफेक्ट लेंस. क्या? परफेक्ट लेंस. क्या? परफेक्ट लेंस. अरे आंसर का नाम PF lens बोला तो भी चलेगा. जी हाँ दोस्तों, सात पॉइंट्स हमने कवर किए, इसी के साथ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है. परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ई से दो पॉइंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, एन से नेशनल इनकम और स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. दोस्तों आपको इस चैप्टर में ये छह क्वेश्चन ही पढ़ने. कौन से छह क्वेश्चन भाई? स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस. क्या? स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस. स्कोप, फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, स्कोप, फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो. ये छह क्वेश्चन किए, काम फिट, मामला हिट, पूरा चैप्टर खत्म, खलास, फिनिश. एकदम सिंपल से पूरा चैप्टर हो जाएगा. इस चैप्टर की एक्सरसाइज और उसके नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल का एजुकेशन ऑफिशियल पर मिल जाएंगे बॉस. तो जरूर 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 टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए और हमारा जो ऐप है ना भैया, उससे जुड़ जाइएगा. ऐप है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल. स्काई एजुकेशन पे आप आ जाइए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. इस ऐप पे भी आपको ढेर सारे नोट्स और रिसोर्सेज मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा. तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए. दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको मिल जाऊंगा भाई, आपको मैं मिल जाऊंगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राजगुरु जयश्री और टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल. यहाँ पर आप जरूर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मिलेंगे अगले कुछ नए वीडियोज के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.